Dear students of JKSSB Finance Account Assistant, today we will discuss some important expected objectives of your examination. पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और वी कैन से एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर सेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस. आज के लेक्चर में भी हम कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कुछ डिस्कस करने वाले हैं. इनमें सबसे पहले जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव हम ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट इज गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. जस्ट वी हैव ए सेट हियर, सबसेट इज हियर. यहां पे जो सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. अगर ये सारा सेट काउंटेबल है, इसका सबसेट काउंटेबल है. ये पहला स्टेटमेंट. दूसरा, सुपरसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट मे आर मे नॉट बी काउंटेबल सेट. ये अगर सबसेट हो गया तब जाके ये जो सेट इट इज सुपरसेट. अगर ये सेट है, ये इसका सबसेट है. जो सबसेट, जिस सेट का सबसेट होता है दैट इज सुपरसेट. यहां पे सेकेंड ऑप्शन में सुपर सेट ऑफ ए काउंटेबल सेट मे आर मे नॉट बी काउंटेबल. वो कभी काउंटेबल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता. फोर्थ, द सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट मे द सबसेट सबसेट सॉरी सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट मे आर मे नॉट बी अनकाउंटेबल. अगेन वी हैव अनकाउंटेबल सेट. सबसेट के लिए यहां पे कह रहा है कि मे आर मे नॉट बी अनकाउंटेबल. सबसेट के भी अनकाउंटेबल होगा, कभी नहीं होगा. एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दिस. नाउ वी टेक द एक्सप्लेनेशन. इफ वी हैव दिस सेट इट इज काउंटेबल, देन क्लियरली सबसेट इज ऑल्सो काउंटेबल. जो हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया, जो इस मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहां जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं. सबसेट काउंटेबल, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल. ये जो बड़ा सेट है, इसका जो छोटा है, जब ये बड़ा सेट काउंटेबल होगा तब जाके ये छोटा, इसका एक हिस्सा भी काउंटेबल होगा. क्लियरली इफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज काउंटेबल, इफ यू टेक द सबसेट तब देखिए वो भी काउंटेबल होगा. नेक्स्ट इज सुपर सेट ऑफ काउंटेबल सेट. अगर ये सुपर सेट ऑफ काउंटेबल, अगर ये काउंटेबल है, ये वन काउंटेबल है. अब जो सुपर सेट है इसका, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसका सुपर सेट रैशनल नंबर भी है. इसका सुपर सेट रैशनल नंबर भी है, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ rational numbers. And R is also superset of natural set. That is, natural numbers are subsets of the real set. Clearly here Q is countable set, जो एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, means superset जो natural set का है वो countable हो गया. अब R is also superset of natural set. R is uncountable. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ एक लेक्चर में, वहां जाके आप इसको डिटेल में देख लेना. Q is countable means superset of countable set is countable. R is uncountable means superset of countable set is uncountable. दोनों पॉसिबिलिटी. इसका मतलब जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, सुपर सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज मे आर मे नॉट काउंटेबल सेट, इट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज द सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट मे आर मे नॉट काउंटेबल. जस्ट सी हियर, अगर हमारे पास ये रियल सेट अनकाउंटेबल है, Q
is subset of real set, it is Q is countable. N is subset of R, it is also countable. But we have here number line that is represents real set. Agar iska hum ek hissa lenge, say 3, 5, the interval, the set of real numbers which lies between 3 and 5. वो रियल नंबर जो 3 से 5 तक लाई कर रहे हैं वो सेट हम ले रहे हैं, दैट सेट इज आल्सो अनकाउंटेबल सेट. बट जो सेट ऑफ रियल नंबर लाइज बिटवीन 3 और 5, दिस सेट इज सबसेट ऑफ आर. यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज आ गई, सबसेट ऑफ आर इज काउंटेबल, सबसेट ऑफ आर इज अनकाउंटेबल. मीन्स कभी ये काउंटेबल हो सकता है, कभी अनकाउंटेबल हो सकता है. सी स्टेटमेंट, द सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट मे आर मे नॉट बी अनकाउंटेबल. कभी अनकाउंटेबल होगा, कभी नहीं होगा. इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, तब जाके ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है. इसका मतलब ये जो डी पार्ट है इसका, इट इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. Important object. Now next is 7th objective, jo hai, if A and B are two finite sets. A and B, yahan pe A ek set hai, dusra B hai. Dusra B hai, par ye B hai. Dono sets finite. Then A intersection B is finite. First option. A union B is finite. A minus subtraction of these two sets is finite. All of these. Now, dear student, अगर हमारे पास ये A set है, it is finite. B set, it is finite. Intersection जो है, if we have a finite set, then the subset of finite set is finite. पहले ये आप देख लीजिए. अगर आप देखेंगे ये जो intersection set है, it is subset of A. B को छोड़ दीजिए. A intersection B जो यहां पे, it is subset of A. Subset of finite set is finite, means A intersection B is subset of A, therefore it is finite, as A is finite. इसी तरह B is finite, A intersection B is subset of B, A intersection B is finite, as B is finite. इसका मतलब ये सही है. अब नेक्स्ट इज ए यूनियन बी इज फाइनाइट. देयर स्टूडेंट इज ए यूनियन, इफ ए इज फाइनाइट, देयर यूनियन इज आल्सो फाइनाइट, व्हिच इज आल्सो डिस्कस्ड इन वन ऑफ द वीडियो व्हिच इज अपलोडेड ऑन माय चैनल. वहां पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं. सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. नाउ सबट्रैक्शन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी A is finite, B is finite. A minus B वो सेट होता है A के एलिमेंट्स which are not in B, which are not in B. अगर ये A है, A minus B is here, इसको छोड़ के ये हिस्सा छोड़ना है, means ये A minus B है, ये A minus B है, ये इसको ये a माइनस बी, ये a माइनस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ a, एज a इज फाइनाइट, देयर सबसेट इज आल्सो फाइनाइट. मींस जो ये जो a माइनस बी, इट इज आल्सो फाइनाइट. तब जाके द करेक्ट ऑप्शन, a पार्ट इज करेक्ट, b पार्ट इज करेक्ट, c पार्ट इज करेक्ट. इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अब ये फाइनाइट सेट के लिए आ गए. एट्थ ऑब्जेक्ट, अगर हम यहां पे ऑप्शन सेम रख लेंगे, अगर यहां पे हम इनफाइनाइट डाल देंगे, इफ ए एंड बी आर टू इनफाइनाइट सेट्स, अगर हमारे पास ए एंड बी टू इनफाइनाइट सेट्स होंगे, व्हाट हैपेंस विद ए इंटरसेक्शन बी इज फाइनाइट, ए यूनियन बी इज इनफाइनाइट. चलो ए इंटरसेक्शन बी इज इनफाइनाइट, ए माइनस बी इज इनफाइनाइट, ये हम डाल देंगे. ये स्टूडेंट यहां पे आप देख रहे हो ऑप्शन ए एंड बी आर टू इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट, ए इंटरसेक्शन बी इज इनफाइनाइट,
ए इंटरसेक्शन बी इज इनफाइनाइट। अगर हमारे पास मान ले यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट, सेट ऑफ rational numbers is infinite, what is their intersection? Intersection is here n, mean is set of natural numbers, इसका मतलब ये infinite है, हो गया एक केस। अगर हम इस तरह यहां पे लेंगे एक सेट ये 3 to 5, it is set of real numbers lies between 3 and 5, it is infinite. Another set is set 3 को छोड़ के 2 से 3 तक, तब जाके इनका इंटरसेक्शन जो होगा रियल नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3, एंड रियल नंबर सेकंड सेट इज रियल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 5, इनका इंटरसेक्शन सेट जो होगा दैट इज नल सेट। बट नल सेट इज ऑलवेज फाइनाइट सेट, विच वी डिस्कस इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट, विच इज डिस्कस्ड इन वन ऑफ द लेक्चर ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये जो नल सेट होता है ये ऑलवेज फाइनाइट होता है। यहां पे जो 2 3 है इट इज इनफाइनाइट सेट, 3 5 जो है 3 रियल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 5, ये दोनों इनफाइनाइट सेट है बट देयर इंटरसेक्शन इज फाइनाइट सेट, तब जाके ए इंटरसेक्शन बी इज इनफाइनाइट, ये तो सही नहीं है। ए यूनियन बी इज फाइनाइट इनफाइनाइट, अगर ए इनफाइनाइट होगा बी इनफाइनाइट होगा, ए के एलिमेंट इज इनफाइनाइट उसमें और हम जोड़ रहे हैं, बी के भी एलिमेंट जोड़ रहे हैं, तब जाके तो वो इनफाइनाइट होगा, ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ए माइनस बी इज इनफाइनाइट, ए माइनस बी इज इनफाइनाइट, सी है अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा से उसमें 1 2 3 सो ऑन अप टू इनफिनिटी, दूसरा सेट होगा उसमें होंगे 3 4 सो ऑन अप टू इनफिनिटी 4, देयर सबट्रैक्शन इज कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स दैट इज 1 2, बिकॉज अगर हम ये ए सेट लेंगे ये हम बी लेंगे, ए माइनस बी जो होगा उसमें ए के एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट इन बी, ए के 3 से होके सभी एलिमेंट्स बी में है, which means a minus b में only 2 elements and that is 1 2, means यहाँ पे a minus b is infinite, it is not correct, ये भी चला गया, all of these ये तो हो गया, इसका मतलब second option जो है it is the correct option। now next object 9th जो है a and b are 2 countable sets, then a intersection b is countable, if one set is countable next is countable, दो set is अगर countable होंगे necessarily इनका intersection भी countable होगा, and union of 2 countable sets is also countable set, दोनों concepts are discussed in lectures which are uploaded on my channel, वहां पे आप इसको देख सकते हैं, neither a nor b, यहां पे कह रहा है निधर ए नॉर बी, ना ही ए करेक्ट है ना ही बी, ये तो गलत ऑप्शन है, ए भी सही है बी भी सही है, अब लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, बिकॉज ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस, बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस, देयर फोर डी पार्ट जो है बोथ ए एंड बी इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पे जो आप घर पे एज होम असाइनमेंट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो होगा, इफ ए एंड बी आर 2 अनकाउंटेबल सेट्स व्हाट हैपन्स विद दीज ऑप्शंस, रिमेंबर दिस,
A and B are two uncountable sets, then ऑप्शन ये ही डाल देंगे. डियर स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट को आप एज होम असाइनमेंट कर लीजिए और वीडियोस को एग्जाम करने से पहले डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इस फायदा हासिल कर सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.